आपने ओसीडी ये वर्ड तो सुना ही होगा, पर ये ओसीडी है क्या? तो ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये कॉमन और लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को बार बार एक ही थॉट्स आते हैं और उसे ऑब्सेशन कहते हैं, और ये थॉट्स की वजह से इंसान जिस टाइप का बिहेवियर करते हैं उसे कंपल्शन कहते हैं। ये कोई मेजर डिजीज नहीं है बॉडी का, पर मेंटल इलनेस है जिसमें इंसान को अपने थॉट्स का फियर रहता है और इसीलिए वो वही कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स करता है, और बार बार सेम थॉट्स आने की वजह से ओसीडी वाले इंसान उस पे चिंता करते हैं। जैसे कि ओसीडी पेशेंट्स को जर्म्स का फियर होता है, इसीलिए वो कंपल्सरीली अपने हाथ कई बार धोते हैं जब तक प्योर क्लीन ना दिखे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 15 से 44 तक के एज वाले लोगों को ये मेंटल इलनेस होती है, और ये ओसीडी का इलनेस चिल्ड्रेन, मेन, वुमेन, किसी को भी हो सकता है। ओसीडी की वजह से उस पेशेंट की लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ओसीडी के सिम्टम्स कौन से हैं, ताकि आप सही ट्रीटमेंट ले सके। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओसीडी सिम्टम्स, कॉन्स्टेंट वरिंग। ओसीडी वाले पेशेंट्स छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बार बार एक ही बात पे सोच के परेशान होते हैं, ना चाहते हुए कोई एक ही बात उनके दिमाग में चलती रहती है जिससे वो डिस्टर्ब और डिप्रेस्ड रहते हैं। जैसे दिमाग में डाउट आता है, डोर प्रॉपरली लॉक किया है कि नहीं, स्टोव ऑफ किया है या नहीं, ये काम किए होते हैं फिर भी दिमाग में डाउट आते हैं, जिस वजह से कई बार चेक करते रहेंगे। फेसिंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। ओसीडी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा वरिड और डिप्रेस्ड रहते हैं, और इसीलिए उनका काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। जो बात उनके दिमाग में चलती रहती है वो उस पे ही सोचने में खो जाते हैं, इस वजह से कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अ साइन ऑफ रीअश्योरेंस। ओसीडी वाले पेशेंट्स कोई भी काम परफेक्टली करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे खुद ने किया हुआ काम बार बार रीचेक करना सही है या नहीं। एक तरफ से वो खुद को सेफ साइड रखना चाहते हैं कि कोई भी मिस्टेक के कारण उन्हें किसी से भी डांट ना पड़े। ओवरलुक्ड साइंस। ओसीडी के पेशेंट सेम चीज बार बार रिपीट करता है जब तक खुद को तसल्ली ना मिले। जैसे उसने हाथ धोए हैं, फिर भी ऐसा लगेगा कि हाथ साफ नहीं है तो फिर से धोते हैं। कभी कभी हाथ पे स्क्रैचेस आने तक धोते हैं। टेबल पे या घर में सब चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखी है, फिर भी उन्हें पसंद नहीं आई है तो वापस सब अरेंज करेंगे, और इस वजह से इंसान मेंटली रिलैक्स्ड नहीं रह पाता है। फियरिंग पीपल। ओसीडी के पेशेंट्स को डर रहता है कि उनके इस बिहेवियर का लोगों को पता चला तो उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, या फिर छोटे बच्चे होंगे तो उनसे कोई गलती होने पर वो गुस्से में आके उन्हें डांट ना दे, और इस वजह से वो लोगों के साथ ज्यादा सोशल कॉन्टेक्ट में नहीं रहते और अकेले में रहना उनको सेफ लगता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ओसीडी क्या है और उसके सिम्टम्स कौन से हैं उसके बारे में। काम में परफेक्शन रखना या क्लीनलीनेस रखना अच्छा है, पर अगर आप में से किसी को ऐसे कुछ थॉट्स बार बार परेशान करते हैं तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो आपके इस वीडियो पे क्या थॉट्स है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप सबको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।